नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवादी। क्या वक्फ बोर्ड की तरह देश में हिंदू संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाए जाने की जरूरत है? वक्फ संशोधन बिल के वक्त से ही इस तरह की मांग उठती रही है, लेकिन अब मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सरकार से सीधे सीधे मांग कर दी है। मांग ये की है कि वो वक्फ की तरह सनातन बोर्ड का गठन करें। क्या है कथावाचक की मांग, आइए रिपोर्ट दिखाते। वक्फ बोर्ड को लेकर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का ये बयान इन दिनों सुर्खियों में है। एक और देश भर में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर घमासान मचा है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर दी है। दरअसल देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि देश में अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा, और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी इक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, दिल्ली में एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है, और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ही एक 10-12 साल रुक जाओ वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड पे वक्फ बोर्ड का है, और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे कुर्सियों का विषय नहीं है, देश को सुरक्षित, संस्कृति को सुरक्षित, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का विषय है, धर्म को बचाने का विषय। देवकी नंदन ठाकुर के वक्फ बोर्ड पर दिए बयान का समर्थन अयोध्या के संतों ने भी किया है। महंत राजूदास ने तो वक्फ बोर्ड को हटाने तक की मांग कर डाली है। वहीं मुस्लिम स्कॉलर ने देवकी नंदन ठाकुर को बाबा बताते हुए कहा कि उनको नियम कानून की कम जानकारी है। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड हटनी चाहिए, स्वाभाविक है। जब एक बार धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, आप जमीन भी ले लिए, पाकिस्तान भी चले गए, और उसके बाद आपको बोर्ड भी चाहिए। इसके नाते मैं मांग करता हूँ कि जितने सिंधी सिंध में हिंदुस्तान आना चाहते हैं उनको इस वक्फ बोर्ड की जमीन में बसाना चाहिए, क्योंकि वो आना चाह रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान आने नहीं दे रहा है। उनको बाबा हैं, उनको नियम कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए वैसा बोलते रहते हैं, और सरकार का शय मिल रहा है उनको, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे। दूसरी बात यह है कि जब देश आज़ाद हुआ तो क्रिश्चियन प्रॉपर्टी कंपनी एक्ट में गई और हिंदू प्रॉपर्टी ट्रस्ट एक्ट में गई, इसीलिए सारे मंदिर और सारी हिंदू संप्रदाय की जो भी ज़मीनें होती हैं वो ट्रस्ट में होती हैं, और मुसलमानों ने अपनी ज़मीन को वक्फ में रखा। वक्फ का मतलब कि उस ज़मीन को किराए पर दिया जा सकता है लेकिन उसको बेचा नहीं जा सकता। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पहल करना होगा, सरकारों से मांग करनी होगी, हिंदू समाज संगठित होके आगे आकर मांग करे कि वक्फ बोर्ड को समाप्त करें, अन्यथा ये पाकिस्तान से बड़ा देश बना लेंगे। जाहिर सी बात है इनके पास आज तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो सबसे पहले हमें इस बात पर पहल करनी पड़ेगी कि हम जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड को समाप्त करें, और उसके बाद यदि जनता जागरूक है, संगठित हिंदू एकत्र होकर आगे आता है, तो निश्चित ही सनातन बोर्ड का भी पहल किया जाएगा। उधर देवकी नंदन ठाकुर की इस मांग को बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि देवकी नंदन ठाकुर की बात जायज है। देवकी नंदन जी से बात करेंगे, हमको तो लगता है कि उनकी भी बात जायज है, बनना चाहिए सनातन। अब जब सबका बनना है तो उसमें बनने में क्या दिक्कत है, बनना चाहिए, हमको तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। हरियाणा अगर धर्म अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, चाहे वक्फ बोर्ड के लोग हों, चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे और क्रिश्चियन माइनॉरिटी से लेके अल्पसंख्यक सिख माइनॉरिटी तक हूँ, जो भी ऐसी बात करना चाहता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, उस धर्म के माध्यम से शिक्षा से लेके सामाजिक संस्थाएं बनाना चाहता है, हम लोग को उसका स्वागत करना चाहिए, मदद करना चाहिए। केवल परहेज धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से करना चाहिए, धर्म के का राजनीति में दुरुपयोग करने वालों से करना चाहिए। जाहिर है आगामी 16 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग पर जोर रहेगा, साथ ही लव जिहाद, गौ हत्या, कृष्ण जन्मभूमि को वापस लेने सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को जमकर इग्नोर किया जा रहा है। दबाव की राजनीति के बावजूद अखिलेश की पार्टी को महाराष्ट्र में एनडी गठबंधन के साथ ही तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार एमवीए गठबंधन का हिस्सा है। ये तीनों ही पार्टियां एनडी गठबंधन में भी भागीदार हैं, जिसका समाजवादी पार्टी भी हिस्सा है। फिर भी महाराष्ट्र के चुनाव में एमवीए दल सीट बंटवारे में समाजवादी पार्टी को इग्नोर कर रही है। इसको लेकर अब अखिलेश यादव के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। नहीं नहीं, त्याग राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में कुछ सीटें सपा के लिए चाहते हैं। हालांकि अभी तक महाविकास आघाड़ी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। अपनी इग्नोरेंस के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें गठबंधन में नहीं रखा जाता है तो हम जहां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़ेंगे। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते आए, वहीं पर लड़ेंगे जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में मुख्य रूप से कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है। तीनों ही दल 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने को सहमत हुए हैं। इधर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही थी, लेकिन सूत्रों की माने तो एसपी को 5 सीटें भी मिलती हैं तो वो गठबंधन में शामिल होने को तैयार है। और ये फॉर्मूला जमीन पर नहीं उतरा तो अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। उधर महाराष्ट्र में सीटों को लेकर मचे खींचतान पर एक ओर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जा रही है तो वहीं दूसरी ओर सीटों का लॉलीपॉप भी दे रही है। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर ये कहना है कि हम जहां पर जीत रहे हैं वहीं पर सीट मांग रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में एसपी के इग्नोरेंस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। अगर गठबंधन उनके साथ नहीं होता तो जाहिर है उनको ये आज़ादी हासिल होगी, वो अपने उम्मीदवार जहां चाहें वहां लड़ाएं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे मानना है कि अखिलेश यादव के साथ समझौता होना चाहिए, उनको एकोमोडेट करना चाहिए। वो जितनी सीटें मांग रहे हैं उसे ऊपर नीचे बात करके हम एकोमोडेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटें हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है सीट नहीं जीत का सवाल है, और जीत का सवाल इस बात पे भी निर्भर है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो संगठन हैं, वो ये महसूस करें कि न्याय संगत त्याग किया गया है। अगर संगठन पार्टी बहुत मजबूत है जीतने की स्थिति में और ऐसे समय में हम त्याग कर देंगे तो उसका उल्टा भी रिएक्शन हो सकता है। इसलिए इंडिया अलायंस की गठबंधन की मजबूती के लिए और बेहतर भाजपा को बेहतर तरीके से हराने के लिए आवश्यक है कि उतना त्याग समाजवादी पार्टी को करने तैयार है जिससे कि उसका कार्यकर्ता इंडिया अलायंस के साथ खड़ा रहे, ठगा हुआ महसूस न करे। और बाकी जहां हम जीतने की स्थिति में हम वहीं दावा कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त हम ज्यादा कोई दावा नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश के बाहर कोई जनाधार या हैसियत नहीं है, ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, बल्कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बताया और हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने इनकी हैसियत को बताया था। अब महाराष्ट्र के चुनाव में उछल कूद मचा रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण का भी खेल खेल रहे हैं, और साथ ही साथ एक चीज उन्होंने जरूर स्वीकार कर ली कि उनकी नज़र में त्याग तपस्या का कोई अर्थ नहीं है, और सत्य भी है। जो लोग पिताजी के नाते से, परिवार के नाते से सत्ता कुर्सी पा चुके हों वो त्याग क्या जाने, संघर्ष क्या जाने। अब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की चिंता करिए जहां समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है।
महाराष्ट्र में मची सियासी खींचतान के बीच अखिलेश यादव यूपी के उपचुनाव पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। इसके लिए उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी की हार तय है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। आपको नहीं पता, आप ही के बीच से एक कोई निकला था, एक की हत्या हो गई थी। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी किसी सीमा तक जा सकती है। बहरहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो या यूपी का उपचुनाव, दोनों जगहों पर सियासी गहमा गहमी जारी है। पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अभी नतीजों में वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने देर से ही सही लेकिन कार्यकारिणी का गठन कर दिया, लेकिन इससे लेकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सफाई दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। सूची में युवाओं को तरजीह मिली है। उधर इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। नरेंद्र सलूजा ने आरोप लगाया कि काफी मान मनौवल के बाद ये सूची जारी हुई है, लेकिन सूची जारी होने के बाद घमासान होना तय है। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही नकुल नाथ को शामिल न करने पर सवाल उठाए हैं। सूची को देखकर ही समझा जा सकता है कि इसमें जीतू पटवारी की कलाकारी पूरी तरह से सामने आई है। कई लोगों को निपटा दिया गया है। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह समर्थकों की भरमार है। वहीं यदि बात करें तो कमलनाथ जी, अरुण यादव, अजय सिंह, उमंग सिंगार, कांतिलाल भूरिया जैसे लोगों के समर्थकों के नाम पूरी तरह से सूची से नदारद किए गए। जहां एक तरफ इस सूची में दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह का नाम है, कांतिलाल भूरिया और उनके पुत्र विक्रांत भूरिया का नाम है, अरुण यादव और उनके भाई सचिन यादव का नाम है, वहीं कमलनाथ जी से जीतू पटवारी ने बेर दिखाते हुए उनके पुत्र नकुल नाथ का 177 सदस्य सूची में भी नाम शामिल नहीं किया गया। बीजेपी के आरोपों पर जीतू पटवारी ने सफाई दी। नकुल नाथ को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर बताया, साथ ही कहा कि राजनीति में संतुलन जरूरी है। नकुलनाथ जी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में, राजनीति में संतुलन जरूरी है। यूथ की एनर्जी भी आवश्यक है और अनुभव का एक 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 तरह का सोच भी जरूरी होता है, तो दोनों को बैलेंस किया। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आलाकमान ने प्रदेश की कमान जीतू पटवारी को सौंपी थी। चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस के भीतर खाने से पटवारी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है। पटवारी के सामने पार्टी के अंदर के साथ ही पार्टी को मजबूत करने की चुनौती है। इन चुनौतियों से वो कैसे निपटते हैं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर गुरुवार को 30 मरीजों का आंखों का ऑपरेशन किया गया। इसमें 10 लोगों की आंखों में संक्रमण हो गया, जिससे इनको दिखना बंद हो गया। रिपोर्ट देखिए। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 10 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जिसमें 9 लोगों को रायपुर के मैकाहारा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। जिनको देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल पहुंचे, उन्होंने मामले की जांच की बात कही। देखिए, ये जो ऑपरेशन वगैरह हैं, चाहे आंख का हो या अन्य उसका, क्योंकि ये डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है और कहीं इस प्रकार की इन्फेक्शन से संबंधित कुछ केसों में हो सकते हैं, तो इसको अगर मैकाहारा में लाए हैं तो उसका इलाज किया जाएगा। और मैं इसको, आप बता रहे हैं तो एक बार और विशेष रूप से इसको दिखवाता हूं कि किन कारणों से इस प्रकार की चूक हुई है। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में 24 अक्टूबर गुरुवार को 30 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया, जिसके कुछ घंटे के बाद मरीजों की आंखों में संक्रमण फैल गया। 10 मरीजों की हालत ज्यादा खराब थी, जिसके बाद शुक्रवार को 9 मरीजों को रायपुर और 1 को जगदलपुर रेफर करना पड़ा।
जिला अस्पताल में जिस ऑपरेशन थिएटर में 30 लोगों का ऑपरेशन किया गया उसे स्टरलाइजेशन नहीं किया गया था। ऑपरेशन थिएटर में वायरस मिला जिसके बाद इसे सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 3 लोगों का जांच दल बनाया। रायपुर से भी 3 आंख के डॉक्टर की टीम जिला अस्पताल पहुंची है। छत्तीसगढ़ में ये कोई पहला मामला नहीं है जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लोगों ने अपनी आंखें गवाई। अब देखना होगा कि दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में हुई बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी या फिर ये मामला रफा दफा हो जाएगा। बड़ा सवाल मरीजों का जो जिला अस्पताल एक और रोशनी की उम्मीद में पहुंचे थे लेकिन अब इनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए दंतेवाड़ा से दिनेश गुप्ता के साथ रायपुर से युगल तिवारी और तनु वर्मा की रिपोर्ट। डिजिटल फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले दिनों इंदौर में डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने भी आए थे। यूपी के आगरा चित्रकूट से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान डिजिटल फ्रॉड को लेकर लोगों को जागरूक किया है। अगर कोई फोन पर पुलिस सीबीआई या इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर बात करे तो सावधान हो जाइए, हो सकता है आपको फंसाने के लिए जाल बिछाया जा चुका हो। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस पर चर्चा की। उन्होंने एक क्लिप भी दिखाई। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो मगर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके यस सर। यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए, वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपये गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। पीएम ने साइबर फ्रॉडों को समाज का दुश्मन बताया। इसके बाद पीएम ने डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए 3 अहम बातें बताई। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दे। संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। एजेंसियों की तरफ से
ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है, लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़े। साइबर अपराधी बेहद शातिर होते हैं। अगर एक बार आप उनके झांसे में आ गए तो फिर वो आपकी कमाई पर सेंध लगा सकते हैं, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो ऐसे फरेब से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी